हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल अपना सपना में। दोस्तों, मैं हमेशा की तरह उपस्थित हूँ आपके सपनों का हल लेके। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे YouTube चैनल अपना सपना में नए हैं तो हमारे YouTube चैनल अपना सपना को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले सपनों का मतलब पता चल सके। तो दोस्तों, आज हम सपने के विषय में बात करेंगे कि अगर आप अपने सपने में अपराजिता का फूल देखते हैं तो यह सपना आपके आने वाले जीवन में क्या प्रभाव डालता है। दोस्तों, सोने के बाद आप कई प्रकार के सपने देखते हैं, कुछ अच्छे, बुरे, कुछ डरावने सपने देखते हैं जिन्हें देखने के बाद हम डर जाते हैं और सुबह उठने के बाद हम उस सपने के बारे में व्याख्या करते हैं, उस सपने के बारे में सोचते हैं कि आखिर जो सपने आते हैं क्यों आते हैं और इन सपनों का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, सपने को लेकर स्वप्न शास्त्र का मानना होता है कि जो भी सपने हम रात को सोने के बाद देखते हैं वह सपने हमारी भूतकाल की घटी घटनाएं एवं भविष्य में होने वाली घटनाएं को स्वप्न फल के द्वारा दर्शाती है। कुछ सपने हमें शुभ संकेत देती है, वहीं कुछ सपने हमें अशुभ संकेत देती है। और ऐसा ही माना गया है सपने में अपराजिता का फूल देखना। दोस्तों, सपने में अपराजिता का फूल देखना यह एक शुभ एवं बहुत अच्छा स्वप्न माना गया है। माना जाता है कि अगर आप सपने में अपराजिता का फूल देखते हैं तो आने वाले समय में आपको सुख शांति, सुख समृद्धि का सुख शांति सुख समृद्धि आपको प्राप्त होगी आने वाले समय में, एवं साथ ही साथ आपके कारोबार में उन्नति प्राप्त होगी एवं जिससे आपको धन भी लाभ हो सकती है अगर आप सपने में अपराजिता का फूल देखते हैं तो। तो कुल मिला के दोस्तों, सपने में अपराजिता का फूल देखना एक बेहद अच्छा और एक शुभ स्वप्न माना गया है। वहीं स्वप्न शास्त्र कहता है कि जब भी आपको ऐसे शुभ स्वप्न दिखाई दे तो ऐसे सपने किसी को बताना नहीं चाहिए, किसी के सामने व्यक्त नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से सपने पूरे होने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।